बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज आपको मैं बताऊंगा बेल बॉटम ट्राउजर की कटिंग और सिलाई करने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ आज मैं आपके लिए, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बेल बॉटम ट्राउजर को हमने किस तरह कटिंग करना होता है, इसकी कटिंग करने का क्या तरीका होता है और इसको सीते कैसे है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला आप एक ही वीडियो में समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। आप कपड़े को बिछाने का तरीका देखें, 2.5 मीटर कपड़े को हमने ऐसे पहले डबल फोल्ड करना है लंबाई में और फिर इस तरह इसको बिछा लेना है। ये पिन वगैरह मैंने लगाई है वो इस वजह से कि ये राव सिल्क का कपड़ा है। राव सिल्क के कपड़े पर मैं आज आपको बनाना बताऊंगा। तो ये कपड़ा जरा हिलता है, परेशान करता है, कटिंग में बार बार स्लिप होता है। तो इस वजह से आप जब भी इस तरह का फैंसी कपड़े पर आप बनाएं तो आप इसको पीने वगैरह लगा सकते हैं। देखें, 2 इंच का हमने इस जगह पर नेफा इसका बनाने के लिए छोड़ना है, लास्टिक हमने डालना है। तो हम 2 इंच का ऊपर से जो जैसे छोड़ते हैं शलवार में ट्राउजर में, ऐसे ही छोड़ेंगे। और देखें, एक लार्ज नाप का ये ट्राउजर है बेल बॉटम, तो हम 14 इंच का इसका आसन रखते हैं। इसी तरीके से आपने आसन रखना है। तो बहुत अच्छी और समझने वाली वीडियो है। आपने ये वीडियो गौर से देख ली और पूरी देख ली तो इंशाल्लाह ताला आप समझ जाएंगे। अब रान का नाप आपका जितना भी हो, 17 हो, 16 हो, 18 हो, आपने इसको नापना है और फिर इसी नाप से बनाना है। रान का नाप लेने का तरीका आप देखें किस तरह लेते हैं। देखिए, ये नाप का ट्राउजर है, इस नाप से मैंने इसको सीना है। तो इस तरह से हम रान को चेक कर लेंगे कितनी है। 16 इंच इसकी रान है। रान को इसी जगह से नापा जाता है। आप जब भी इसको बनाए इसको इसी तरह से बनाए। कपड़े की देखें चौड़ाई है 19 इंच, तो हम 9.5 यानी के कपड़े के सेंटर में हमने पूरे कपड़े पर इस तरह 9.5 इंच के, यानी के कपड़े के आधा जितना भी कपड़ा हो, 20 इंच का अर्ज हो कपड़े का डबल में, तो आप 10 पर निशान लगाएं। इसका है 19, तो हम 9.5 पर इसके सेंटर में इस तरह से निशान को लगा लेंगे। और यहां पर हमने सारे निशानों को ऐसे मिलाकर बीच में एक सेंटर लाइन बना लेनी है। कपड़ा आपको नजर आ रहा होगा, अब आप देख सकते हैं मैंने पिने क्यों लगाई है। देखें किस तरह ही स्लिप हो रहा है कपड़ा, तो इस वजह से इसमें आप पीने लगा के बनाया करें। अब ये आसन का जो निशान लगाया था हमने इसको डार्क कर दिया है, देखें इस तरह से। अब रान का नाप है इसका 16 इंच, तो 8 इंच हमने इस लाइन के इधर निशान लगाना है और 8 इंच उधर लगाना है, यानी कि 16 हमने निशान इस तरह से लगाना है कि ये सेंटर में लाइन आ जाए। देखें 8 और 8 16, 16 पर हमने ये निशान, रान जो हमने तैयार नाप रखना है वो 16 इंच मैंने रख दिया है। देखें 19 इंच या 19.5 इंच आपने घुटना रखना है लंबाई के हिसाब से। जैसे एक्सेल नाप है, कद भी मीडियम है, तो आप 19 साढ़े 19 पर घुटना रख सकते हैं। तैयार लंबाई 37.5, इसका 37.5 पर इस तरह से निशान मैंने लगाया। आपने जितनी भी लंबाई रखनी हो आप इस तरह से निशान लगाएं। ये नीचे का कपड़ा फोल्डिंग में काम आ जाएगा, तो इसमें बन जाएगा आराम से ट्राउजर। अब देखें हमने करना क्या है। ये जो निशान मैंने 16 पर लगाया था, तो अब हम ये निशान इसके ही देखें, 8 मैंने इस जगह से लगाया था, तो 5 इंच हमने इस जगह से रखना है, तकरीबन 3 इंच पीछे करके, और इस लाइन से 4.5 इंच निशान मैंने इस जगह लगाया ताकि क्रास, हल्का सा एक क्रास आ जाए आसन में। कपड़ा देखें कितना स्लिप हो रहा है। तो जब भी आप इस तरह का कपड़ा काटें तो आप पीने लगाकर कटिंग करें। देखें यहां पर हमने देनी है गुलाई, जिसे हम ट्राउजर की देते हैं। अब ये जो घुटने का मैंने निशान लगाया था, तो इस जगह मैंने घुटने पर भी ये लाइन बना दी है। अब देखें यहां पर हमने जो 16 इंच का निशान लगाया था, हमने एक जैसा दबाव रखते हुए इस जगह पर यहां पर ऐसे एक स्ट्रेट निशान लगाना है। और ये जो घुटने का निशान है हमने इस पर कितना शेप देना है ये मैं भी आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने शेप दिया और इस तरह से घुटने से हमने गोलाई का शेप देते हुए इस तरह नीचे पाइचे तक लेकर जाना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनको मेरा नंबर चाहिए वो वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मेरा नंबर भी उनको मिल जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर भी 1/2 इंच का दबाव रखा
और जितने भी इसके बॉटम है बना दिए। अब ये देखें यहां से 16 रखते हैं जब, तो हमने 3 इंच अंदर कर ये निशान लगाना होता है। देखें 16 मैंने रान का नाप रखा तो घुटने की टोटल चौड़ाई मैंने रखी है 13। ये आप नोट कर लें, देखें 6.5 और 6.5 दोनों साइडों से हम इस तरह निशान लगाएंगे तो ये 13 इंच इसकी भी हमने सेंटर करके ये गोलाई देनी है इस तरह से। आपको अभी मैं ये निशान लगाने के बाद आपको दिखाता हूं, देखिएगा आप कितना जबरदस्त बेल शेप इसमें आ जाएगा, जैसे एक घंटी होती है, इसी वजह से इसको बेल बॉटम कहते हैं। तो यही सेम बेल शेप देखिएगा आप इसको बनाने के बाद भी, मैं आपको दिखाऊंगा। देखें यहां से 13 ऊपर से रखा 16, 3 इंच का फर्क इसमें होना चाहिए कम से कम, तभी इसमें बेल शेप आता है, वरना आपने ज्यादा टाइट करना हो तो आप ज्यादा टाइट भी इसको घुटने पर से कर सकते हैं। देखें इसका शेप कितना खूबसूरती से आ चुका है। अब हमने करना क्या है, इसकी कर देनी है हमने कटिंग। सबसे पहले नीचे से हम इस तरह कटिंग कर दो पीस को अलग-अलग कर देंगे दोनों पाओं के, सारे कपड़े को सेट कर हमने सेट करना है इसको अच्छी तरह। और यहां से भी हमने देखें हल्का सा ऐसे गिरता हुआ शेप दे दिया ताकि जब हम कपड़े को टर्न करें तो दबाव बिल्कुल बराबर आए। अब हमने इसकी देखें इस तरह से इसकी कटिंग कर देते हैं, फिर आधा आधा इंच हमने दबाव का रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। आप लोगों ने भी इसी तरह से कटिंग करनी है, काफी दिन से आप लोग मुझसे कह रहे थे शहजाद भाई आसान तरीका कोई बेल बॉटम ट्राउजर का आप बता दें, तो ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता बेल्ट बॉटम ट्राउजर बनाने का। इस जगह से भी आधा आधा इंच देखे मैंने दबाव को रखा, आधा इंच या 1/4 इंच भी आप इसके दबाव को रख सकते हैं। और देखें यहां से भी हमने इसी तरह से दबाव जितना हमने सिलाई में लेना है उतना दूर हटाकर इसकी कटिंग कर दी है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसकी कटिंग करनी है। अब आप शेप नोट करें इसका, देखें ये बिल्कुल इसी तरह से कटिंग किया जाता है। अब इसके सीने का तरीका बिल्कुल आसान है, हमने किस तरह से सीना ये तो नीचे का हमने फोल्ड कर देना है, बिल्कुल आसान तरीका। पहले ये सिलाई लगाएंगे हम नीचे तक, फिर उसके बाद ये सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर नीचे से मोड़ना है, फिर आसन बंद करना है और फिर इसमें लास्टिक डाल देना है। तो ये तरीका होता है इसके सीने का। स्क्रीन पर जो नंबर है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी सिलाई के हवाले से बात करनी है आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब भी कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत बनेगा। देखें ये मैंने तैयार कर दिया है, आप इसकी फिनिशिंग नोट करें, देखें सिलाई से सिलाई को मिलाकर मैंने इसको प्रेस कर दिया, क्रीज बना दी है इसमें, दूसरा साइड भी आप इसका नोट कर सकते हैं। और ये लास्टिक डालने का तरीका वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा कि कितने हिप्स के नाप से हमने कितना लास्टिक डालना चाहिए ट्राउजर में, ये सब आपको लिंक में पता चल जाएगा और प्लास्टिक डालने का तरीका भी नोट करें। देखें इसका शेप कितनी खूबसूरती से आ चुका है, इस तरह से नोट करें, देखें अब आपको सही समझ आया होगा। देखें यहां से कितनी खूबसूरत इसका शेप है और ये बेल इसका शेप नीचे का है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये बन चुका है। तो यही तरीका होता है, आसान तरीका इसकी कटिंग का और इसको बनाने का। कैसी लगी वीडियो आपको ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।